सो वेलकम गाइज, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपने वीवो Y20T मोबाइल में जो है फिंगरप्रिंट ऐप लॉक को सेट कर सकते हो। यानी कि गाइज, आप अपने ऐप लॉक को लगाओगे और साथ ही साथ उसमें फिंगरप्रिंट को भी ऐड कर पाओगे, जिससे होगा क्या कि आप अपने ऐप लॉक को जो है फिंगरप्रिंट से भी ओपन कर पाओगे। तो चलिए गाइज, कैसे करना है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ स्टेप बाई स्टेप। आपको वीडियो पूरा देखना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, यहाँ पर आपको साइड में जो है स्क्रीन देखने को मिल जाएगी मेरे मोबाइल की, तो इस पर आपको देखना है। तो गाइज, यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद गाइज इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, नीचे जाना है थोड़ा, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है देखिए सिक्योरिटी का, तो आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। जैसे मैं सिक्योरिटी पर क्लिक करूँगा गाइज, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। अब आपको इसमें करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का। तो सिंपली आपको प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेना है, जो भी बनाना चाहते हो। उसके बाद दोबारा कंफर्म कर देना, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर जो पूछ रहा है इसको आपको डाल देना है, कुछ भी डाल दीजिए, बस आपको याद रखना है क्योंकि जब रीसेट करोगे अपने पासवर्ड को तब ये काम आएगा। उसके बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद गाइज यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऐप लॉक लगाना है, तो इस पर ऐप इंक्रिप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मैं ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, और जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए गाइज यहाँ पर बहुत सारे ऐप्स आपको दिख रहे हैं। इनमें से जिस भी ऐप को आपको लॉक करना है सिंपली उसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। मैंने यहाँ पर क्रोम को लॉक कर दिया और गैलरी को और एयरटेल को मैंने लॉक कर दिया। तो अब गाइज आपको जाना है बैक, और बैक जाने के बाद गाइज अब आपको फिंगरप्रिंट अभी नहीं लगा हुआ है, तो फिंगरप्रिंट को लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक बार फिर से बैक जाना है और वहीं पर आपको फिर से सिक्योरिटी के अंदर ही एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट। यहाँ पर देख पा रहे हैं फिंगरप्रिंट लिखा हुआ है, तो इसी पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अभी मेरे मोबाइल में स्क्रीन लॉक भी नहीं सेट है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक सेट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है और फिर से आपको यहाँ पर जो है कंफर्म कर देना है। गाइज यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जब मैं लॉक खोलता हूँ तो यहाँ पर आपको नहीं शो हो रहा होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। अब गाइज ये बोला है स्टार्ट इनपुटिंग, तो यानी कि अब अपने फिंगर को आप फिंगरप्रिंट पर लगाइए। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अपने फिंगर को जो है यहाँ पर फिंगर पर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हो गाइज ये जो फिंगर है यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रही है, और ये जब तक फुल नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर फिंगर लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर फुल होने तक लगा रहा हूँ, तो गाइज यहाँ पर ये लगभग फुल हो चुकी है, और आपका भी फुल हो जाएगा तो इस तरीके से डन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको डन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डन पर क्लिक कर दोगे तो गाइज यहाँ पर देखिए अनलॉक का ऑप्शन मिल रहा है आपको फिंगरप्रिंट के अंदर, और आपको एक ऑप्शन उसके नीचे मिल रहा है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन लिखा हुआ है ऊपर, तो इस पर आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा आपके ऐप लॉक वाला, तो आपको पासवर्ड दे देना है। अब पासवर्ड देने के बाद गाइज ये आपका इनेबल हो चुका है। अब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऐप लॉक सेट हो चुका है। तो गाइज अब मैं अगर क्रोम को ओपन करूँगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्रोम को जैसे मैंने ओपन किया यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट मांग रहा है। तो गाइज यहाँ पर देखिए फिंगरप्रिंट मांग रहा है, और मैं जैसे ही फिंगर दे दूंगा इसको तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, ये देखिए ओपन हो चुका है। तो गाइज इस तरीके से आप यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट ऐप लॉक को सेट कर सकते हो। गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आगे भी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।